बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, गंजेपन से परेशान है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, रूसी की समस्या से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। जी हाँ दोस्तों, बालों को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए एक स्वस्थ आहार और जीवन शैली का पालन करना जरूरी है। इससे बालों के झड़ना कम होगा और साथ साथ बालों को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। अगर आप भी घने लंबे और मुलायम बाल चाहते हैं तो आपको इन घरेलू उपायों पर गौर करना चाहिए ताकि बालों को पर्याप्त पोषण मिल सके। बाल इंसान की सुंदरता का अहम हिस्सा होते हैं। बालों को सही पोषण ना मिलने से बालों की लंबाई कम होती है और रूखे और बेजान बालों का असर बालों की लंबाई पर दिखता है। हर कोई चाहता है कि उनके बाल लंबे, घने और मुलायम रहें, और जिसके लिए वे कई तरीके अपनाते हैं, जैसे हेयर स्पा, हेयर मसाज और ट्रीटमेंट, जिससे बालों को नुकसान नहीं होता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू उपाय लाए हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को तेजी से लंबा और घना कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। जी दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, विटामिन सी। जी दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर आंवला का सेवन करने और आंवला पाउडर और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से बालों में सुधार आता है। सूखने पर सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद आप अपने बालों में सीरम लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपके बाल धोने के बाद उलझेंगे नहीं। नंबर दो, दही। दही और नींबू दोनों ही बालों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और ठंड के मौसम में इसका प्रयोग डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने वाला होता है। दही में 2 चम्मच नींबू निचोड़कर पेस्ट जैसा बना लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर हाथ के पोर से लगाएं और 15 मिनट तक मसाज करें। पेस्ट को 1 से 1.5 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से बालों को धो लें। इससे बालों का रूखापन और डैंड्रफ दूर होता है। नंबर तीन, जी दोस्तों, एलोवेरा और अंडा मिलाकर बालों में लगाएं। सूखने के बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। बालों पर कंडीशनर करना न भूलें, क्योंकि एलोवेरा लगाने के बाद में कठोरता आ जाती है। आप चाहे तो एलोवेरा लगाने से पहले बालों को स्टीम दे सकते हैं, इससे भी बालों में फायदा मिलेगा। नंबर चार, जी दोस्तों, बालों को मजबूत और लंबा बनाने के लिए विटामिन ई सबसे आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, और जैतून के तेल और नींबू में आवश्यक विटामिन ई होता है। आप 1 कटोरी में 10 ml नींबू के रस में 10 ml जैतून का तेल मिलाकर अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें, और फिर 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू कर लें। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है बालों को मजबूत और घना बनाने का। नंबर पाँच, करी पत्ता। जी दोस्तों, घरों में पाया जाने वाला करी पत्ता बालों के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। इससे बनाया गया तेल या हेयर पैक लगाने से बालों का रंग बरकरार रहता है और बाल तेजी के साथ लंबे घने होते हैं। इसे लगाने के लिए 1 कटोरा करी पत्ता और 1/2 कप नारियल तेल लें। इन दोनों चीजों को गर्म करें और फिर इसे छानकर ठंडा कर लें। इस तेल को अपने बालों समेत जड़ों में लगाएं। इस तेल से सिर की मालिश करें और